हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश में लगातार ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए हरियाणा न्यूज की टीम ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया था और रैन बसेरों की हालत को दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह लोग रैन बसेरे होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैन बसेरों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। हमारी ओर से इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अधिकारी और प्रशासन नींद से जागा है। हमारे संवाददाता राजा पटेल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और देखा कि किस तरह से अब रैन बसेरों की स्थिति बेहतर हुई है। इस वक्त हम सेक्टर 12 रैन बसेरे में खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो पर्याप्त इंतजाम प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर रैन बसेरा आता है। हमने आपको ओल्ड फरीदाबाद के हालात दिखाए कि वहां पर किस तरीके से बदहाल स्थिति थी, पर जिस तरीके से नगर निगम कमिश्नर की बात करें या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो पूरी तरीके से सतर्क दिख रहा है। हरियाणा न्यूज ने जिस तरीके से रियलिटी चेक दिखाया था, अब हम चलेंगे एनआईटी विधानसभा में और एनआईटी विधानसभा के जनता कॉलोनी के जो रैन बसेरा है उसका रियलिटी चेक करेंगे कि क्या अब प्रशासन जिस तरीके से लगातार देर रात विजिट कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद उसकी हालात सुधरी है या ज्यों की त्यों बनी हुई है। रात के 11 बज चुके हैं और हम इस वक्त जनता कॉलोनी के रैन बसेरे में हैं। हमने अब से कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पर किस तरीके से बदहाली थी और ताला लगा हुआ था, पर जिस तरीके से दो दिन पहले यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर है सोनल गोयल, वो यहाँ पर विजिट करती हैं हरियाणा न्यूज की खबर चलाए जाने के बाद, और आप देख सकते हैं कि अब रैन बसेरे की जो हालत है पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है। नए नए गद्दे यहाँ पर रजाइयां हैं, हालांकि यहाँ पर अभी कोई लोग जो है लोग पहुंच नहीं पा रहे, पर जो साफ सफाई है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी गई है। यहाँ पर देखिए आप ये चद्दर और नए नए रजाई गद्दे यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, नई नई चद्दरें और यहाँ पर जो रजाई गद्दे हैं वो पूरी तरीके से प्रॉपर यहाँ पर बिछा दिए गए हैं, पर यहाँ पर लोग नहीं पहुंच पा रहे। मैं आपको बता दूं कि जनता कॉलोनी का रैन बसेरा है, पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग रोड पर सोते हैं, जो लोग सड़क किनारे सोते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बताया जाए, उन लोगों को यहाँ तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जनता कॉलोनी काफी अंदर रोड से काफी अंदर पड़ती है जिससे कई लोगों को पता नहीं चलता। पर बात करें हरियाणा न्यूज की खबर के बाद तो खबर का असर साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। हरियाणा न्यूज के रियलिटी चेक के बाद तो प्रशासन जागा है नगर निगम का और जो सुविधाएं हैं रैन बसेरों की उनको दुरुस्त कर ली गई है। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज।